in the shape of a right circular cylinder with a hemisphere on one end and a cone on the other end. Same पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है ना जी? चलिए देखते हैं. एक ट्राय है जो इस तरह से शेप में है. देखिए यहाँ पर ये आपका सिलेंडर हो गया बीच में, और एक एंड पर यहाँ पर हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ठीक है ना जी? एक तो एंड पे हेमिस्फीयर और दूसरे एंड पे जो है कोन है. दूसरे एंड पे क्या है? कोन है. इस तरह से ये एक ट्वाय है, ठीक है, कोई ट्वाय है. अब इसका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रेडियस दिया होगा, हाइट दिया होगा इसका, इसका भी हाइट या रेडियस कुछ तो दिया होगा ना. चलिए सबके वैल्यूज को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या कर रहे हैं. देखिए क्या कर रहे हैं, ये जो ट्वाय है इसमें क्या कर रहा है कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट इज 5 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. इसका रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर और हाइट दिया है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर. ठीक है, आगे क्या कर रहा है? द रेडियाई ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड कोनिकल पार्ट सेम एज द सेम ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट. दोनों के सेम ही है, इसका भी रेडियस, उसका भी रेडियस सेम. चलिए पहले मुझे पता ही था. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द ट्वाय इफ द टोटल हाइट ऑफ द ट्वाय इज 30 सेंटीमीटर. टोटल हाइट जो है यहां से यहां तक ये 30 सेंटीमीटर दिया है. सपोज लीजिए हम यहाँ पे थोड़ा सा टोटल हाइट दिया है, यहां से यहां जो होगा ये एक्चुअल में रेडियस ही ना होता, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा. अच्छा ये 13 है तो इसका हाइट नहीं पता चलेगा, तो 13 और 5 18, 18 को इसमें सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर कोन वाले का हाइट आ जाएगा. ठीक है, तो हमें क्या निकालना, टोटल सरफेस है तो इसका स्लेंट हाइट अब निकालना ही नहीं होगा, हाइट और रेडियस पता है. तो चलिए देखते हैं, रेडियस ऑफ द हेमी स्फीयर या फिर सिलेंडर या फिर कोन, सबका रेडियस जो है वह 5 सेंटीमीटर है. अच्छा हाइट ऑफ द सिलेंडर का हाइट देख लीजिए वह है 13 सेंटीमीटर. अच्छा हाइट ऑफ द कोन क्या होगा, कोन का हाइट, तो वो हो जाएगा टोटल 30 सेंटीमीटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर दोनों. 30 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पर 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर इसका हाइट. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसका स्लेंट हाइट चाहिए. स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, कोन का स्लेंट हाइट रूट अंडर एच स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर. चलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एल इक्वल टू रूट अंडर एच का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 12 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर. तो रूट अंडर यहाँ पर 144 और प्लस का 25 यानी कि रूट अंडर 169 यानी आ जाएगा 13 सेंटीमीटर यहाँ पे स्लेंट हाइट निकल गया. तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ निकालना है हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ट्वाय. तो ट्वाय का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबका कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे ऐड करना होगा, यानी कि हो जाएगा क्या हो जाएगा जी, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तीनों का कर्व सरफेस एरिया ऐड कर देंगे हमारा काम हो जाएगा. तो देखिए हेमिस्फीयर का होता है 2πr², सिलेंडर का हो जाएगा 2πr और हाइट कैपिटल एच लिया है, और इसका कोन का हो जाएगा यहाँ पर पाई आर एल. तो यहाँ से पाई आर कॉमन करते हैं, 2r प्लस का 2h और प्लस का l बच जाएगा. चलिए अब इन सब के वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो पाई के जगह पे 22/7 कुछ तो नहीं दिया था ना वैल्यू, और r का वैल्यू क्या है 5, 2 × r 5, 2 × में कैपिटल एच कितना है आपका, हाइट जो है इसका कैपिटल एच यानी यहाँ पे देख लेते हैं 13 था, और एल कितना स्लेंट हाइट, ये भी 13 आया है. ठीक है ना जी, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 22/7 × 5 अंदर हो जाएगा देखो 10 प्लस का 26 और प्लस का 13 और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22/7 × 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. इससे हम लोग काट सकते हैं 7 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा 22 × 5 × 7 मल्टीप्लाई कर देंगे
770 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन